स्वरोजगार प्राप्त श्रमिक सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर इसका उदाहरण है सब्जी विक्रेता जो प्रतिदिन सब्जियों को थोक बाजार से खरीदकर शहरों में घूम घूम कर बेचते हैं वे किसी नियोक्ता के कर्मचारी न होकर स्वरोजगार में नियोजित हैं सब्जियों के विक्रय से हुए मुनाफे से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है सब्जी के धंधे में उनकी आय सुनिश्चित नहीं है वे कार्य करने के लिए सुरक्षा की परिधि जैसे दुर्घटना बीमा भविष्य निधि आदि कई लाभों से वंचित रहते हैं अकुशल श्रम अनस्किल्ड लेबर शहरों के चावड़ी बाजारों में छोटे छोटे काम जैसे मजदूरी पुताई मरम्मत आदि काम करने वाले लोग अकुशल श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं इनमें अधिकांश ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं इनके भी रोजगार के अवसर सुनिश्चित नहीं होते इसकी वजह से इनकी आय भी अनिश्चित रहती है हमारे प्रदेश में इनकी संख्या अधिक है अपने शहर में किसी पड़ाव जहां मजदूर काम की तलाश में जमा होते हैं पर जाकर अकुशल श्रमिकों से बातें कर पता करें कुशल श्रम स्किल्ड लेबर कुशल श्रम में विशेष तरह की व्यवसायिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति जैसे वकील डॉक्टर अध्यापक इंजीनियर तकनीकी योग्यता संपन्न व्यवसायी आदि सम्मिलित होते हैं संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को व्यवस्थित कार्य परिसर एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं उनकी सहायता के लिए अन्य सहायक भी उपलब्ध होते हैं अब हम एक कुशल श्रमिक की कल्पना करें जो किसी बड़े कारखाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसे कारखाने में एक कार्यालय और सहायता के लिए अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त हैं। वे प्रत्येक महीने एक सुनिश्चित वेतन और अन्य लाभ प्राप्त करते हैं वेतन की प्राप्ति के बाद वे आय का निश्चित भाग व्यय करते हैं और बचे हुए भाग की बचत करते हैं इसी बचत से वे भविष्य की योजनाओं पर व्यय का प्रबंधन करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के पूर्व उसे एक मानक योग्यता प्राप्त करनी पड़ी और स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के बाद भी व्यवसायिक अध्ययन करने के बाद ही वे एक कुशल व्यवसायिक श्रमिक बन पाए सरकार कुछ व्यवसायों के लिए मालिकों द्वारा दी जाने वाली मजदूरी को निश्चित कर देती है भारतीय कानूनों के अनुसार कोई भी नियोक्ता जब किसी को काम पर लगाता है तो उन्हें मजदूरी देनी होती है हालांकि सरकार ने कुछ व्यवसायों के लिए मजदूरी की ये दरें निश्चित कर दी हैं मजदूरी की यह दर 2014-15 की है जो रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में लागू है तो आइए देखते हैं ये दरें क्या है उत्पादन की जैसा कि प्रारंभ में कहा गया है कि उत्पादन की प्रक्रिया के लिए चार कारकों की आवश्यकता है अभी तक हमने भूमि और श्रम की बात की है हमने कई उदाहरणों से समझने की कोशिश की है कि इसकी व्यवस्था कैसे की जाती है उत्पादन के लिए भूमि और प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी खनिज आदि की पहली आवश्यकता होती है दूसरी आवश्यकता श्रमिकों या कामगारों की होती है ये वे लोग हैं जो श्रम करते हैं कुछ उत्पादन गतिविधियों में उच्च प्रशिक्षित और शिक्षित कामगारों की आवश्यकता होती है जो दिए गए कामों को कर सकें अन्य गतिविधियों में उन कामगारों की आवश्यकता होती है जो हाथों से काम कर सकें प्रत्येक कामगार उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम उपलब्ध कराता है यहाँ श्रम से आशय केवल हाथों से किए जाने वाले श्रम से नहीं है आम बोलचाल की भाषा से अलग यहां श्रम का तात्पर्य है उत्पादन में लगने वाला हर तरह का मानवीय प्रयास जिसके लिए मजदूरी या वेतन दिया जाता है और कामगार व मालिक का एक संबंध बनता है ऊपर हम दो साधनों कार्यक्रम को भूमि और श्रम की चर्चा कर चुके हैं तीसरा साधन कारक है पूंजी